इस मोबाइल को अनलॉक करने के स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके अपना मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्री सेट कर लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, इंसर्ट सिम वाला नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो वाईफाई कनेक्ट करने लिए कह रहा है, तो अपना कोई भी हॉटस्पॉट जो है कनेक्ट कर लीजिए। जैसे आप कनेक्ट कर लेते हो, कनेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीटिंग है फोन रेडी डोंट कॉपी, हमें क्लिक करना है। चेकिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है, पैटर्न मांग रहा है, तो इसमें क्लोज पे क्लिक करते हैं तो इसमें ईमेल आईडी मांगेगा। देखो वेरीफाई योर अकाउंट, इसका मतलब ये है कि इसमें जो FRP लॉक लगा हुआ है और ये जो मॉडल है ओप्पो A55 मॉडल है। तो इस मोबाइल को हम अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगा। कंप्लीटली बैक आ जाना है, यहाँ पे साइड में आइकन में क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है, नियर बाय पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से जो है इसमें क्लिक करना है और फिर उसके बाद में इसमें क्लिक करना है। जैसे ही कर देते हो फिर इसमें क्लिक करना है नीड हेल्प शेयरिंग पे। अभी एक आर्टिकल ओपन होगा, ये आर्टिकल ओपन हो चुका है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और उसको शेयर कर देना है। जैसे आप शेयर करोगे तो बहुत सारे ऐप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हमें मैसेजिंग में जाना है। उसके बाद में न्यू मैसेज टाइप करना है, यहाँ पे कोई भी कंपनी का नंबर टाइप कर दीजिए। और उसके बाद में आप ये जो मैसेज है, मैसेज में आपको ये लिंक है इसको कट करना है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट साइट टाइप करना है www.youtube.com। याद रखे अगर अपडेट का प्रॉब्लम आता है यूट्यूब तो यहाँ पे google.com टाइप करोगे तो भी क्रोम में पहुँच जाओगे, और youtube.com टाइप करोगे तो भी हमें क्रोम में ही पहुँचना है। अभी फिलहाल तो यूट्यूब में हम ओपन हो रहे हैं, ये देख पा रहे लोगो आ चुका है, तो यूट्यूब में हम क्लिक करेंगे, अलाउड करेंगे। यहाँ पे ये जो है यूट्यूब ओपन हो चुका है, इसमें जाएंगे हिस्टोरी एंड प्राइवेसी, यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस में जाएंगे। उसके बाद में देख पाओ गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा, यूज़ विदाउट अकाउंट में क्लिक करेंगे, नो थैंक्स में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है एक साइड टैप करेंगे, तो जैसे साइड टैप करते हो उसके बाद में नेक्स्ट जाना है, ये साइड के अंदर एंटर होना है। अब यहाँ से हमें जो है गूगल अकाउंट वाले में जाना है और उसके बाद में हमें इसको डाउन करना है। यहाँ पे ओपन सेटिंग आएगा, ओपन सेटिंग में हमें जाना है। अब यहाँ से जो है ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें हमें जाना है। अब होम स्क्रीन लेआउट में जाना है 5.4, यहाँ हमारा होम पेज आ चुका है लेकिन अभी FRP लॉक अनलॉक नहीं हुआ है, कुछ स्टेप्स और बाकी है। यहाँ से हमें इसको डाउन करना है और यहाँ पे जो है हमें फोन क्लोन ऐप फाइंड करना है। ये देखो फोन क्लोन ऐप यहाँ पे है, इसको ओपन करना है और न्यू डिवाइस पे जाना है, अलाउड पे क्लिक करना है, अदर एंड्रॉइड पे क्लिक करना है, एक QR कोड ओपन होगा। अब क्या हमें एक दूसरा फोन का जरूरत पड़ेगा ताकि इस मोबाइल को अनलॉक कर सके, मतलब दूसरे फोन से जो है हम इसमें ऐप जो है सेंड करेंगे, दूसरा कोई सा भी हो, ओप्पो वीवो MI कोई से भी हो। आपको पहले यहाँ पे क्लोन फोन देख लेना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में ओप्पो क्लोन फोन टाइप करना है, तो जैसे आप टाइप कर लेते हो, टाइप करने के बाद में सेंड करना है, सर्च करना है, सर्च करने के बाद में यहाँ पे जिस ऐप के नीचे कलर OS लिखा हुआ है वही ऐप डाउनलोड करना है। अभी देख पा रहे हो ओप्पो फोन क्लोन ऐप जो है डाउनलोड पे लगा दिया हूँ, ये जैसे डाउनलोड हो जाता है इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ से एग्री पे क्लिक करना है, अलाउड कर देना, जो भी परमिशन वगैरह अलाउड करने के लिए कहता है वो अलाउड कर देना। कुल मिला के इस ऐप को ओपन करना है। अभी यहाँ से जो है हमें एक ऐप जो है सेंड करना है। सबसे पहले तो इसको अलाउड करने के बाद में स्कैनर ओपन हो चुका है, इस मोबाइल को हमें क्या स्कैन करना है ताकि दोनों मोबाइल जो है आपस में कनेक्टेड हो जाए। तो स्कैन करने, जैसे आप स्कैन कर लेते हो ये दोनों मोबाइल आपस में कनेक्टेड हो चुका है। अभी यहाँ से हमें जो है एक कोई भी स्मॉल MB की फाइल जो है ट्रांसफर करना है, तो मैं इस इन दोनों को ले लेता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ इसको। अब यहाँ से जो है हमें एक स्मॉल MB की फाइल जो है ट्रांसफर करना है, फेसबुक को ले लिया, फेसबुक को सेंड कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो इस मोबाइल में ट्रांसफर हो रहा है, तो जैसे ट्रांसफर हो जाता है ये मोबाइल की जरूरत नहीं है अब हमें। अभी इस मोबाइल में हमें जो है नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अभी देख पा रहे हो कलर OS आ चुका है और हमारा मोबाइल जो है अनलॉक भी हो चुका है।